टू शुरू हो जाएगा। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। रात के कर्फ्यू का टाइम 1 घंटा कम करके रात 10 से सुबह 5 बजे कर दिया गया है। वहीं सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को 15 जुलाई से खोलने की राहत भी दी गई है। हालांकि बाकी पाबंदियां लगभग अनलॉक 1 जैसी ही हैं, लेकिन अनलॉक 2 की शुरुआत अब, और इसके अलावा आप ये भी देखें कि क्या खुलेगा और क्या नहीं। मुंबई से सृष्टि की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अनलॉक 1 का जो फेज है वो ऑलमोस्ट खत्म होने आया है और कल 1 जुलाई से जो है अनलॉक फेज जो 2 का है वो स्टार्ट होने वाला है। मैं खड़ी हूँ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे और जैसे कि आप ये पीछे देख सकते हैं जो व्हीकल्स है, जो यातायात है, ट्रांसपोर्ट है, वो जो ट्रैफिक है जो कल यहाँ पर था वो उससे कई गुना जो है कम यहाँ पर नजर आ रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि जो अनलॉक 1 फेज में जो जितनी छूट, जितनी रियायतें दी गई थी वो कम करने के लिए जो है अनलॉक 2 में कहा गया है और लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे तक जो है ये सीमित रहने वाली है, ऐसा भी जो है नियम लागू हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो भी यहाँ पर खड़ी है नाकाबंदी के लिए कि ये देखा जाए कि जो लोग हैं वो सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं जो यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ उन लोगों के लिए हो जो एसेंशियल सर्विसेज हो या जो जरूरतमंद चीजों के लिए बाहर निकले। और ऐसा भी कह सकते हैं कि ये नियमों का जो है पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई में केसेस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और क्योंकि अनलॉक 1 खत्म हो चुका है और अनलॉक 2 जो है वो कल से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए जो रियायतें दी गई थी अनलॉक 1 में उसे कम करने की भी कोशिश की जा रही है अनलॉक 2 में। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ सृष्टि जोशी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।